28 जून की शाम फरीदाबाद का एक दंपति अपनी 11 साल की बेटी और 3 साल की बेटी के साथ दिल्ली की लंबी ड्राइव और स्ट्रीट फूड का आनंद लेने निकला। पूर्वी दिल्ली में खाना खाने के बाद उनकी बेटी ने मिठाई खाने की इच्छा जताई। वे मिठाई की एक दुकान के पास रुके, कार का इंजन चालू रखा और बच्चों को छोड़कर लेने चले गए मिठाई। लेकिन ये मिठाई उन्हें बहुत भारी पड़ी। करीब 7-8 मिनट बाद जब माता पिता लौटे तो उनकी कार और बच्चे गायब थे। पिता ने तुरंत बेटी की फोन पर कॉल किया। उधर से अपहरणकर्ता ने फोन उठाया, उसने 50 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। तब माता पिता ने तुरंत दिल्ली पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने तुरंत 4 बचाव टीमों का गठन किया। टीम ए का नेतृत्व SHO शकरपुर इंस्पेक्टर संजय गुप्ता के साथ पीड़िता की माँ, टीम 2 का नेतृत्व SHO लक्ष्मीनगर इंस्पेक्टर सुरेंद्र शर्मा के साथ पीड़िता के पिता, टीम 3 इंस्पेक्टर अजीत सिंह प्रभारी स्पेशल स्टाफ ईस्ट के नेतृत्व में और टीम 4 का नेतृत्व इंस्पेक्टर अरुण कुमार प्रभारी एंटी नारकोटिक सेल ईस्ट के नेतृत्व में ACB मधुविहार की देखरेख में किया गया। अपहरणकर्ता का पीछा करने के लिए सभी 4 टीमों को तैनात किया गया। स्थानीय पिकेट और सक्रिय चौकियों पर वाहन रोकने के संबंध में दिल्ली भर में अलर्ट जारी किया गया। 3 घंटे की गहन पीछा करने के बाद समयपुर बादली के क्षेत्र में बच्चों को उस अपहरणकर्ता ने छोड़ दिया और फिर हो गया फरार। सौभाग्य से बच्चे सुरक्षित मिले। कार से आभूषण और मोबाइल फोन बरामद हुए, लेकिन 4700 रुपए गायब थे। कार में अपहरणकर्ताओं का एक बैग भी मिला जिसमें एक मीट चॉपर था और एक हथौड़ा भी। पुलिस ने तेजी से 300 से अधिक CCTV फुटेज की समीक्षा की और फिर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसने बताया कि उसने ऐसे कई उदाहरण देखे थे जब माता पिता अपने बच्चों को कार में छोड़ देते थे, इसी से उसे अपहरण करने की प्रेरणा मिली। पुलिस की तेजी से की गई कार्रवाई से बच्चे तो सुरक्षित मिल गए, आरोपी भी गिरफ्तार हो गया। लेकिन याद रखिए कि आपको खुद भी रहना होगा सजग और सतर्क। ये था वर्तिका नंदा की आवाज में आज का किस्सा खाकी का।